किस तरीके की व्यवस्था की गई यहाँ पे? ये रानी रूपा देव संस्थान है, यहाँ की एक कमेटी बनी हुई है, अध्यक्ष और सचिव महोदय और पूरी कमेटी को विश्वास में लेकर राजपूत समाज के लोग जो दूर दराज से यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिलती है या परेशानियाँ होती है, तो उनके लिए आइसोलेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है। और समाज के जो भामाशाह लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दिया है, और उनके सहयोग से ये कोविड सेंटर है वो रानी रूपा देव संस्थान के नाम से चलेगा, और विशेष तौर से राजपूत समाज के लोगों के लिए ही इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि सुंदरा सत्ता वहाँ से लोग आते हैं और बाड़मेर में उनको पता भी नहीं है कहाँ रहना है क्या करना है, तो उन लोगों की सुविधा के लिए समाज के लोगों ने ये सेंटर बनाया है और इस महामारी से जूझने के लिए समाज प्रयास कर रहा है। तो संस्थान में क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? संस्थान ने यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, मेडिकल किट है, और भोजन की व्यवस्था है, रहने की ठहरने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, और हर प्रकार की जो सुविधा हॉस्पिटल में मिल सकती है वो सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। और जो डॉक्टर हमारे समाज के हैं या दूसरे भी डॉक्टर हैं, प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे और हमारे समाज के डॉक्टरों को भी कहेंगे कि वो यहाँ आएंगे, और जो यहाँ लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं या संस्थान की निगरानी में रह रहे हैं उनकी देखरेख करेंगे, और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर केस होगा तो उसको ट्रांसफ़र हॉस्पिटल में करेंगे। ये कितने बेड का है यहाँ पर? हमने अभी 25 बेड के पुरुष का बनाया है और 5-1 बेड का महिलाओं के लिए अलग से बनाया है। मैडम, आज किस तरीके से रानी रूपा देव संस्थान में कोविड सेंटर बनाया गया? रानी रूपा देव संस्था ने आज कोविड सेंटर बनाया, एक अच्छा सेंटर है जिसमें लोगों को यहाँ ठहरने की, खाने की, पीने की, मेडिकल की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेगी। ये यहाँ के मरीजों को, लोगों को बहुत बड़ी राहत है, और मैं इनको बाड़मेर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत शानदार काम है, और अन्य भामाशाह से भी करना चाहूँगा कि ऐसे आगे आवे और ऐसे आप कोविड सेंटर खोले, लोगों को सहायता करें, और भी जहाँ आवश्यकता हो जहाँ आप मदद करें, और उसके साथ साथ कोरोना के जो नियम हैं उसकी पालना करें, सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें, दूरियाँ रखें, ब्याह शादी कोशिश करें कि नहीं हो, और भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जावे, यही बाड़मेर की जनता को मैं समझता हूँ।